क्लस्टर की भी फॉगिंग जो थी वो भी उन्होंने रिजॉल्व नहीं की। उन्होंने बोला जब धूप आएगी तो वो ठीक हो जाएगा, ये सारी LCDs ऐसी होती है। नॉट गुड सर्विस, आई डिड नॉट लाइक माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ KTM। आज मेरे बाइक की फर्स्ट सर्विस एंड 1000 किलोमीटर्स मैंने पार कर लिए हैं एक महीने के अंदर। सो यूजुअली फर्स्ट सर्विस तब होती है जब इधर यू क्रॉस 1000 किलोमीटर्स और 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, विच एवर इज अर्लियर। सो मेरा 1000 किलोमीटर्स हो चुका है एंड आई एम हियर फॉर द सर्विस। मैंने टेक्नीशियन को सारे डिटेल्स बता दिए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एट अ KTM सर्विस सेंटर। सो मुझे नहीं पता यहाँ के लोग कितने एफिशिएंट है क्या नहीं, बट आई होप दैट दे नो देयर जॉब वेल। एंड या अभी मैंने बता दी है प्रॉब्लम जो मेरे बाइक में मुझे फेस हुई है। एक वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दूसरा मेरे आगे की जो टैंक का जो प्लास्टिक वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा हिल रहा है, एंड देर इज़ अ नॉइज़ जो मुझे लग रहा है बैटरी कंपार्टमेंट से आ रही है। सो ये तीन चीज़ और क्लच केबल मैंने बोला है एक बार चेक करने के लिए, बिकॉज मैंने जब से हैंडल बार राइजर लगाए हैं मुझे अभी भी थोड़ा लग रहा है कि शायद से एक्सट्रीम राइट घुमाने पे मेरी बाइक थोड़ी सी तो क्लच इंगेज कर रही है। मुझे तो शूट करना था ये पूरा व्लॉग, बट देन उन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड टू शूट इनसाइड द प्रमाइसेस। तो मैंने बाइक दे दी है अपनी सर्विस के लिए। एस्टिमेटेड टाइम 1.5 आवर्स बताया है उन्होंने। तो फर्स्ट सर्विस में होगा अभी हमारा मोबिल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज एंड एयर फिल्टर को क्लीन करेंगे और ओवरऑल कार वॉश होगी। सो आई एम वेटिंग राइट नाउ, लेट्स सी द रिजल्ट्स एंड लेट्स सी इफ दे आर एफिशिएंट इनफ टू रिजॉल्व माय प्रॉब्लम। राइट, सो हम आ गए वापस फ्रॉम द KTM सर्विस सेंटर। मैंने करवा लिए हैं ये दो मिरर्स चेंज बिकॉज प्रीवियस वाले बुश दिख ही नहीं रहे थे, बट देन नाउ आई फील ये भी शायद उतने अमेजिंग नहीं है। मैं अभी एक और सेट ऑफ, मेरे पास पुराने थंडरबर्ड के मिरर्स थे, मैं सोच रहा हूँ वो लगा के देखूँ कि वो कैसा कम्फर्ट देंगे। आई लव द बाइक इज़ लुकिंग अमेजिंग। प्लीज़ कमेंट्स में बताइए ये वाले मिरर्स मैं हटाऊं या रहने दूं। आई विल ऑल्सो शो यू इन द नेक्स्ट क्लिप द मिरर्स दैट आई एम इंटेंडिंग टू पुट। टेल यू दिस, इतना आर्ट का काम है ना ये मिरर्स को लगाना। मैं हर बार हर बाइक पे इतनी स्ट्रगल करता हूँ मिरर्स लगाने पे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इतना ईजी है दिख रहा है उतना है नहीं, वो क्लिप्स आपको चाहिए इसको होल्ड करने के लिए। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ द लुक इज। मैं आपको राइडर के व्यू पॉइंट से भी दिखा दूँ, दिस इज़ हाउ दिस लुक्स। अ लॉट बेटर देन द हस्क वरना। अब मुझे ये हस्क वरना किसी को देना होगा, मोस्ट लाइकली फैजल विल बाय इट, ही वाज वांटिंग टू बाय हस्क वरना, बट आई एम हैप्पी विद दिस। ऑलराइट, सो मिरर्स लग गए, आई थिंक आई विल गो विद दीज मिरर्स। एंड बिल जो हमारे हाथ में है 1665 रुपये की हुई है सर्विस, और उन्होंने लिए कुछ 1100 1150 रुपये इन दो, ओ सॉरी
इन दो मिरर्स के, दैट इज़ द हस्क्वर्ना मिरर्स। नाउ आई थिंक आई विल हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। मोर देन दैट आई विल टेल यू सर्विस में आज क्या हुआ। सर्विस में सबसे पहली प्रॉब्लम थी क्लस्टर में फॉग, अभी नहीं हो रहा है बट वो तो धूप लगते हट जाता है। सो उन्होंने कहा कि सर धूप लगने के बाद हट जाता है तो इसको हटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही रहता है, सारी गाड़ियों में ऐसे ही होता है, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम KTM। दूसरी चीज़ मैंने बोला कि ये आपका हिल रहा है तो ये नहीं हिलना चाहिए बिकॉज ये साइड नहीं हिल रहा है। तो उन्होंने बोला सर वो वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। तीसरी चीज़ मेरी बैटरी कंपार्टमेंट में बैटरी का एक बेल्ट टूटा हुआ था, वो उनके पास नहीं था। सो ये भी जब मैंने पहली बार खोला तभी से टूटा हुआ है, उन्होंने बोला हमारे पास है नहीं, जब ऑर्डर कर दिया पार्ट जब आएगा तब आपको रिप्लेस कर देंगे। सो उसके लिए भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी चीज़ देयर इज़ सम नॉइज़ दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ द नॉइज़। पहले उन्होंने बोला चेन का है, बट देन आई फील अभी भी आ रहा है, बट स्टिल मैं अभी उस पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे और थोड़ी बाइक चलानी पड़ेगी उसको करने के लिए। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस फ्रॉम द KTM फॉर द फर्स्ट टाइम बैड। एंड आपको जो बताना था मुझे बहुत टाइम से, दैट्स माई ट्राईपॉड जो मैंने खरीदा था, मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग द ट्राईपॉड एंड ये मैंने खरीदा भी नहीं था, मुझे किसी फ्रेंड ने दिया था, उसके पास स्पेयर था, सो आई जस्ट बॉट इट फ्रॉम हिम। इट्स अ नाइस ट्राईपॉड, डिसेंट हाइट, डज द परफेक्ट जॉब फॉर मी। Alright, so look who's back, my old heat is back। बहुत दिन से सर्विस सेंटर में थी एंड मैं मुझे वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं इसे लेके आऊँ। Alright, so now that it's back, एक वीडियो तो बनता है मेरी हिमालयन के ऊपर। So stay tuned, take care, ride safe and thank you so much for watching this far and subscribe the channel if you have not yet subscribed।